हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब से मेरे चैनल के वीडियोस ऐसे ही होने वाली हैं, थोड़ा फॉर्मल तरीका हम ख़त्म करने वाले हैं कि जस्ट बिल्कुल एक जगह पे बैठ के पूरी वीडियो करना अब मैं करूँगा बंद। और अब वीडियोस को बनाएंगे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। तो अभी मैंने अपनी गाड़ी में रखा कुछ सामान जो पहुँचाना है हमारे न्यू ऑफिस, और वहाँ पर लगना है। एक है UPS और एक है टेबल के ऊपर का सेंटर टेबल, आई शो यू दैट। और बाकी अपना कैमरा बैग है टू शूट सम वीडियोस फॉर यू। तो अभी फटाफट पहुंचते हैं ऑफिस और करते हैं इसको सेटअप। बेसिकली यार हुआ क्या था, आई रिसेंटली बॉट माय कंप्यूटर, माय न्यू PC फॉर एडिटिंग, एंड मैंने उसके लिए UPS मंगाया फ्रॉम अ फ्रेंड। अब तो जो UPS आया है वो है माइक्रोटेक का, आई गेस 650 मॉडल समथिंग, तो 650 लेजेंडरी समथिंग। सो अब उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि वो बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि मेरे PC का ऑलमोस्ट बराबर ही रिक्वायरमेंट है जितना उसका टोटल आउटपुट है, उतना मेरे PC का एक बार का रिक्वायरमेंट है। तो उस टाइम मैंने ध्यान नहीं दी ये चीज़ कि आपके PC के SMPS के पावर सप्लाई इन एंड आउट के हिसाब से आप UPS लेते हो ना, कि कैसे भी एनीवेज तो वो पैसे हुए बर्बाद। तो अब हमने मंगाया है एक नया UPS विच इज़ वे वे फार बेटर फॉर अ हैवी स्पेक PC। तो अभी फटाफट पहुंचते हैं ऑफिस, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या है और क्या नहीं। One lap later. तो अभी हम पिक करने वाले हैं परीक्षित को, हु इज़ गोइंग टू हेल्प मी विद द सामान का काम एंड ऑल्सो विद सम शॉर्ट्स ऑफ माई वीडियो। सो इधर मिलने वाला है मेरे को कहीं इधर पे, सो लेट्स वेट फॉर हिम जब तक वो आता है, फिर आगे मिलते हैं। सजा भूल गए तुम हैं? कैसे? हाँ भैया, कैसे सजा भूल गए तुम अपनी हैं? ऑन कैमरा रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस बार में, सजा याद रहेगी? नहीं याद रहेगी, उसको याद रहेगी। चले फिर अब चलो। तो भाई अब देख लो, ये ज्यादा बुलाने वाला ये हो चुका है फेल। अभी भैया आ जाएंगे हमारे कंप्यूटर को, जब लाइट जाएगी तो हमें कुछ चंद समय चाहिए कि हम अपने PC को प्यार से बंद कर सकें और भक के जैसे बंद ना हो। तो आई होप कि ये UPS उस काम में सफल होगा। चलते हैं इसको रेड करते हैं और तो करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट। बहुत अच्छे से यूट्यूब बोलूंगा भाई, सब छोड़ दूंगा, वादा कर रहा हूँ। कमरा देखना एक नंबर, कमरा तो एक नंबर नहीं है बट हाँ सेटअप देखना एक नंबर। नाइस। तो ऐसा कुछ
हमने बनाया हुआ है सेटअप अब यहाँ पे, तो देख रहे हो तो ये यूपीएस लगाया था भाई हमने, मजाक हो गया था। देखते हैं हमने थोड़ा सा सस्ते सेटअप को बना लिया, थोड़ा महंगा सेटअप हमने लाइट ऑन कर लिया, क्वालिटी होगी ए प्लस। और अब स्टार्ट करेंगे हम इस यूपीएस की अनबॉक्सिंग। इस अनबॉक्सिंग के लिए हमें चाहिए एक चाबी। कटर वटर क्यों अलग से पैसे खर्च रहे, इतने सारे खर्च तो दिए। Six and a half hours later. तो भाई मैंने इतना महंगा यूपीएस आज तक देखा भी नहीं है। मतलब हासिल हो जिसको हंसी आ रही है। बट भाई छोड़ो, उठ भी नहीं रहा है भाई। Thousand years later. तो इसमें आपको मिलता है बहुत भारी सा यूपीएस। नहीं है तो भारी ना, तो वहां बट भारी है थोड़ा सा। तो अनबॉक्सिंग तो आपने देख लिया, इसमें आपको मिलेगा ये फालतू सा पेपर जिसका आपको कोई काम नहीं है, और इसके अंदर आपको मिलेगा यूपीएस जिसके लिए आपने सबसे ज़्यादा नहीं, एक मिलेगा आपको इसके अंदर यूपीएस जिसके लिए आपने मेन पैसे दिए हैं। और यूपीएस अभी तक तो हमें बहुत सुंदर लग रहा है। भाई इसमें अपने को एक इसके एग्जाम का रिजल्ट मिलता है, जैसे कि अब आप पेरेंट्स बन गए, मतलब आप नहीं मैं पेरेंट बन गया हूँ, तो मेरे पास इसका रिपोर्ट कार्ड आया है। एसी इनपुट लो वोल्टेज कट ऑफ पास्ट, एसी इनपुट लो वोल्टेज रिस्टोर पास्ट। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें पास हो चुकी हैं, हमारे बच्चे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया एग्ज़ाम में, डिस्टिंक्शन से पास। तो भाई ये हमारा यूपीएस, वेरी प्लेन। अनबॉक्सिंग में यही तो मजा है और तो क्या मजा है। गुस्सा था जब पन्नी छूट जाए। दिस इज डायरेक्टली फॉर एपीसी ब्रांड। पन्नी थोड़ी अच्छी लगाया कर, फट जाती है आधे में, अनबॉक्सिंग की भी खराब हो जाती है। और यार मतलब जेन्युइनली बहुत बड़ा है, मतलब लिटरली बोलो डब्बा छोड़ दो उसके साइज में तो फिर भी कम डिफरेंस लग रहा होगा, बट आप यहाँ देखो मतलब दिस इज गॉड। तो इसमें ऑलमोस्ट इसका डबल जूस है, मतलब डबल एनर्जी है। तो अब इसमें अपने को मिल जाता है एक पावर सेविंग मोड, जो कि हमें नॉर्मल टाइम पे थोड़ा सा ज़्यादा बैकअप देगा, थोड़ा सा ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट हाँ डेफिनेटली फॉर द मॉडरेट यूजेज ज़रूर फर्क पड़ेगा। और इसको हम लगा देंगे बाहर। तो ये है लेजेंड 650 फ्रॉम माइक्रोटेक, विच हैज़ ऑलरेडी फेल्ड टू बैकअप माय बीस्ट। ओह माय गॉड, वाओ, नया नया एक्साइटमेंट हो रखी है। अभी ब्लॉग भी नहीं बनाया, समझ रहे ना, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश फील। डब्बे करते हैं वापस पैक, क्योंकि क्या पता कब काम आ जाए, यू नेवर नो। इसका रिजल्ट, रिपोर्ट कार्ड बहुत जरूरी, भाई की इज्जत बचानी है। तो भाई अब पहले देखते हैं पूरा साइड, पहले देखते हैं यूपीएस को पूरा अच्छे से। यहाँ पे आपको मिलते हैं
एक दो तीन चार पांच पोर्ट्स। तो यहाँ पे आपको मिलते हैं पांच प्लग इन पोर्ट्स जिसमें आप अपने प्लग्स लगा सकते हो। और यहाँ पे एक आपको मिलता है सर्किट ब्रेकर, तो ये बेसिकली आप रीसेट करने के लिए पुश कर सकते हो ताकि सर्किट जो है वो वापस रीसेट हो जाए। तो इसको फटाफट हम लोग लगाते हैं अपने पीसी में और देखते हैं भैया क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं। भाई अब फटाफट करते हैं इसको स्टार्ट। तो भाई पीसी अपना चल गया है, यूपीएस बहुत एक्यूरेट रिस्पॉन्ड करता है। मतलब जब आप अपना पीसी ऑन करोगे तो वो विदाउट एनी लैग आपको कनेक्टिविटी देगा। उसके बाद जो UPS हम यूज कर रहे हैं मॉडल नंबर बताना बोल गया। सो दिस इज बैक UPS 1100 एंड इसका यार मैंने अभी टेस्टिंग तो नहीं करी बट हाँ मेरे एक आधे फ्रेंड के पास है और मैंने YouTube पे बहुत देखा। मतलब सबसे ज़्यादा यूज्ड UPS जो नॉर्मली लोग ऑर्डर करते हैं वो यही है। सो इसका जो बैकअप टाइम है वो आपको एक नॉर्मल कंडीशन में अराउंड 20-30 मिनट्स का दे देगा, बट अगर आप बहुत हैवी वर्क कर रहे हो तो उस टाइम पे वो 10-15 मिनट का वो बैकअप देगा, विच इज इनफ इफ यू जस्ट वॉन्ट टू सेव योर फाइल्स एंड जस्ट स्विच यू नो शट डाउन द कंप्यूटर। तो दैट इज वॉट आई नीड इट फॉर एंड आई एम क्वाइट सैटिस्फाइड एज ऑफ नाउ। बाकी बढ़िया ही चलेगा है ना। तो इसी के साथ अभी वीडियो खत्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू हिट द लाइक बटन एंड कमेंट डाउन बिलो जो भी आपको लगा। और बहुत जल्द बहुत सारी वीडियोस आने वाली है क्योंकि अब YouTube पे वीडियोस आने वाली है। मतलब बताना शुरू में ठान लिया। तो यार फटाफट सब्सक्राइब कर दो चैनल को और बेल आइकन भी जरूर दबा देना ताकि आपको पता चल जाए कि मेरी नई वीडियो आ गई है। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।